जब हम सुबह उठते हैं तो जो स्टार्टिंग हमारे माइंड में थॉट आती हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा दिन जाता है। तो बेटर है कि यहाँ पे हम सुबह उठकर फिर पॉजिटिव सोचें अपने काम के प्रति और अपनी पढ़ाई के प्रति, क्योंकि हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा दिन हमेशा ही अच्छा जाता है। और यदि हमारे अंदर कोई निगेटिव थॉट आ जाती है कि हमारे काम को लेके या हमारी पढ़ाई को लेके, तो पहली बात हम एनर्जेटिक होकर उठ नहीं पाते हैं, अच्छे से किसी भी काम को नहीं कर पाते हैं, और वहीं से हमारा पूरा दिन का शेड्यूल खराब हो जाता है। और शेड्यूल खराब होकर मीन्स पूरा दिन एक तरह से जाम होते होते आपको और ज्यादा टेंशन हो जाएगी कि आज सुबह से मैंने इतने ये सारे काम नहीं किए हैं। तो बेटर है कि आप सुबह उठ के अच्छी थॉट अपने माइंड में लेके आए, मीन्स एकदम पॉजिटिव थॉट, कि आप आपका एक एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, मुझे उठ के ये सब चीजें करनी है और मैं करूंगा, और मेरा फ्यूचर मीन्स मेरा जो भी प्लानिंग आपने बनाई हुई है वो भी अच्छा जाएगा। और यदि आपके माइंड में, क्योंकि ऐसा नहीं पॉजिटिव थॉट हमेशा ही आना कंपलसरी है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि हमें अपने काम के प्रति एनर्जेटिक रहना, और जब हमें कुछ नहीं दिख रहा होता सामने तो हमें और ज्यादा टफ हो जाता है कि हम कैसे एनर्जेटिक रहें। तो इसलिए बोला जाता है कि आप सुबह उठ के योगा करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, और जैसे मैंने आपको रिविजन करने का तरीका बताया था तो आप वो भी कर सकते हो। और मैं एक स्पेशल क्लास लेने वाला हूँ मेडिटेशन के लिए, कि हम सुबह उठ के कैसे हम अपने मीन्स पढ़ाई के प्रति, मीन्स पढ़ाई को कैसे हम रिवाइज कर सकते हैं और कैसे हमें मेडिटेशन करना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ आपको कि आप सुबह उठ के जितना ज्यादा हो सकता है सिर्फ अपनी अच्छाइयों के बारे में सोचें, अपने अच्छे पॉइंट को देखें, बस अपने मीन्स जो पॉजिटिव एटीट्यूड आपका है, जो पॉजिटिव चीज आपके अंदर है, सिर्फ उन्हीं को माइंड में लेके आए। तो आप अच्छे से उठ के फटाफट उठ के आप रेडी होके मीन्स एक्सरसाइज भी करोगे और अच्छे से ब्रेकफास्ट भी करोगे, अच्छे से पढ़ाई भी करोगे। और यदि आपने एक बार भी सोच लिया कि लाइफ मीन्स होता नहीं, निगेटिव थॉट आ गई, तो आप उठ भी नहीं पाओगे सही से और आगे की दिनचर्या तो आप भूल ही जाओ। मैं आप सभी से यहाँ पे यही बोलूंगा कि स्पेशली इन इस लॉकडाउन में आपको ये सब चीजें अप्लाई करनी है। आप नॉर्मल लाइफ में भी अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, ध्यान रखना। तो अभी आप क्या कर सकते हो, आप पॉजिटिव थॉट ला सकते हो अपने माइंड में, और नहीं आ पा रही है तो बेटर कि आप उठकर एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, तो आपको 100% पॉजिटिव थॉट आपके अंदर आएंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी और आपको आपका जो भी ड्रीम है उसमें आपको हेल्प करेंगी ये सारी चीजें। चलो, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, अगले वीडियो में मिलते हैं।